डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं आप, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में सैकेराइड के प्रकार। तो सैकेराइड हम लोग जानते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो सैकराइड के बारे में, तो ओलिगो सैकराइड क्या है इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ओलिगो सैकराइड, ओलिगो सैकराइड के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए वैसे यौगिक जो जल के साथ अभिक्रिया करके, वैसे यौगिक जो जल के साथ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल शर्करा अणु देते हों, दो या दो से अधिक सरल शर्करा अणु, सरल शर्करा अणु देते हों उसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है, उसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ओलिगोसैकेराइड किसको कहेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड ये होता है जो सरल शर्करा अणु को जल के साथ रिएक्शन करता है, तो वो दो या दो से अधिक सरल शर्करा अणु देती है। और आपको जानना चाहिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शर्करा, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि चीनी का फार्मूला क्या होता है। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। और जैसे ही इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दो शर्करा अणु देता है, जिसको हम लोग एक को ग्लूकोज बोलते हैं और दूसरे को फ्रक्टोज बोलते हैं, C6H12O6। एक का नाम है ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरे का नाम है फ्रक्टोज, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई यौगिक, ऐसा यौगिक जो जल के साथ रिएक्शन करके दो गो शर्करा अणु बनाता है, शर्करा अणु का मतलब, दो गो शर्करा का मतलब हुआ एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम अलग अलग भले है, लेकिन दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, तो वैसा यौगिक होता है जो जल के साथ रिएक्शन करके दो गो शर्करा अणु बनाता है, एक का नाम ग्लूकोज होता है, एक का फ्रक्टोज होता है। एग्जाम्पल में करके इसको लिख लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, ये सैकेराइड का तीसरा प्रकार है जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इसका नाम होता है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट एरो देंगे, यह उच्च अनुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यह उच्च अनुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें कई मोनोसैकेराइड उपस्थित होते हैं, जिनमें कई मोनोसैकेराइड उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, पॉली का नाम ही होता है हाई एटम्स वाले, यानी कि इनकी जो अणु होती है सबसे ज़्यादा वजनदार होती है, सबसे ज़्यादा भारी होती है, ठीक है। तो याद रखना होगा कि पॉलीसैकेराइड क्या है, तो यह जो है उच्च अनुभार वाला, यानी कि इसका जो अणु है
सबसे हाई वेटिंग वाले होते हैं, सबसे उच्च भार वाला होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिनमें कई तरह के मोनोसेकेराइड उपस्थित रहते हैं। यानी याद है ना कि मोनोसेकेराइड किसको कहते हैं, तो कार्बन 2 से कार्बन 7 तक के कार्बन परमाणु को याद रखिएगा मोनोसेकेराइड कहते हैं, हम बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा कई तरह का पॉलीसेकेराइड में उपस्थित होते हैं, यानी कि याद रखिएगा पॉलीसेकेराइड क्या है, तो यह सबसे उच्च अणुभार वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उच्च अणुभार वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कई तरह के मोनोसेकेराइड उपस्थित रहते हैं, यानी कि बहुत तरह के मोनोसेकेराइड, यानी कि कार्बन 2 से 7, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चलिए एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि आखिर इनकी संख्या ज़्यादा क्यों और कैसे हो जाती है। देख लो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है हम लोगों को ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का, और इसका अगर पावर n लगा दिए तब ही हो गया हम लोगों को स्टार्च। क्या हो गया ये स्टार्च, n का मतलब कितना भी ले सकते हैं, 8, 10, 11, और जितना लेंगे उतना ही वाटर के साथ रिएक्शन कराना होगा, तब जाके हम लोगों को जो बनेगा वो क्या बनेगा, N C6H12O6। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार्च जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, उतना ही नंबर में शर्करा बना रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ n का जो न्यूनतम मान होना चाहिए, न्यूनतम का मतलब कम से कम मान, न्यूनतम मान वो हमेशा 2 होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टार्च जो है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को बनाता है क्या, तो N C6H12O6। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों को बनता है पॉलीसेकेराइड, राइट। यानी कि पॉलीसेकेराइड में बहुत तरह के, यानी कि एन का वैल्यू 2 से लेकर कितना भी रख सकते हैं, 8, 10, 12, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पॉलीसेकेराइड एक उच्च अणुभार वाला यौगिक है या कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कई तरह की मोनोसेकेराइड उपस्थित होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे, इस बार ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, ओनली ग्लूकोज। ठीक है, तो टॉपिक दे दिया जाए ग्लूकोज, तो सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ग्लूकोज क्या है। ठीक है, तो टॉपिक्स हम लोगों को ग्लूकोज है, इसमें सबसे पहला पॉइंट्स हम लोगों को समझना चाहिए कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, अणुसूत्र इसका क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर हम बात कर लेते हैं इसका संरचना सूत्र का, कि इसका संरचना कैसे बनता है। ठीक है, तो संरचना इसका कैसे बनता है, तो सबसे पहले CHO लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है कार्बन, एक तरफ OH और एक तरफ भी OH। ठीक है, एक तरफ फिर से नीचे कार्बन और एक तरफ OH और दूसरी तरफ भी OH। ठीक है, फिर उसके नीचे कार्बन, फिर एक तरफ OH और दूसरी तरफ भी OH। फिर अगर बात करें तो फिर से कार्बन, दूसरी तरफ OH, इधर भी OH। इस तरीके से हमको टोटल कार्बन होना चाहिए 6। अभी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके नीचे हम लोग जोड़ देते हैं CH2 और फिर OH। यही है दोस्तों हम लोगों को ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये सूत्र हो गया C6H12O6। इसका संरचना कुछ इस तरीके से बनता है, और आपको हम पढ़ाए हैं पहले कीरल कार्बन, तो कीरल कार्बन यानी कि C स्टार, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एक C स्टार बनता है। स्टार का मतलब कि चारों ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है वो अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे C स्टार बन रहे हैं। कीरल कार्बन हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है,
तो याद रखिएगा, ग्लूकोज में टोटल कितना तरह का स्टार बनेगा? तो ग्लूकोज में टोटल चार तरह का स्टार बनेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं किरल कार्बन। क्या कहते हैं इसको? किरल कार्बन। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज में टोटल किरल कार्बन कितना बनता है? तो किरल कार्बन की संख्या जो होती है ग्लूकोज की, वो चार होती है। तो याद रख लीजिएगा, नोट में ये बात को लिख लीजिएगा कि ग्लूकोज में या ग्लूकोज की किरल कार्बन की संख्या, किरल कार्बन यानी कि सी स्टार उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सी स्टार की संख्या जो है वो कितना होता है? उसकी संख्या चार होती है। अगर कुछ कोई पूछेगा कि ग्लूकोज में किरल कार्बन की संख्या कितना होता है, यही चार गो होता है। सी स्टार जो है यहाँ पे चार गो बनता है। और सी स्टार का मतलब हम पहले समझ चुके हैं कि किरल कार्बन उस कार्बन एटम्स को कहते हैं जिसके चारों यौगिक जो चारों तरफ से जुड़े हुए हो वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं किरल कार्बन, राइट। अच्छा चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं। अच्छा एक तरफ यहाँ गलती है, यहाँ पे एच एच होता है, ओ एच ओ एच दोनों तरफ नहीं होता है, यहाँ पे ना एच एच होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप काट कट कर लीजिएगा, ठीक है। सी एक तरफ ओ एच, एक दूसरी तरफ एच, सिर्फ एच, ठीक है। इसका दूसरी तरीके से भी संरचना लिखा जाता है। दूसरी तरीके से कैसे? ऊपर सी एच ओ है, सी एच ओ लिख दिए और उसके नीचे बॉन्ड देंगे। अब एच सी ओ एच जो है कितनी बार आया? यही चार बार दोहराया जाता है। तो एच सी ओ एच ये हॉल फोर करेंगे, क्यों? क्योंकि यही जो है हम लोगों को चार बार आया हुआ है, तो हॉल फोर कर दिए, ठीक है। और फिर उसके नीचे सी एच टू ओ एच। तो हम लोग इस तरीके से भी संरचना बना सकते हैं, इस तरीके से भी संरचना ग्लूकोज का बना सकते हैं। तो अभी दो बात देखें ग्लूकोज के बारे में, अणुसूत्र क्या होता है, संरचना कैसे बनता है। अब आइए हम लोग सीखते हैं आगे। दूसरा दूसरा हो गया संरचना सूत्र। अब चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। तो तीसरा नंबर है हम लोगों को निर्माण। निर्माण में क्या? निर्माण का मतलब कौन सी? तो ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो निर्माण के नीचे एरो देकर यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्लूकोज के निर्माण में हम अगले दिन डिस्कस करेंगे कि आखिर ग्लूकोज जो है उसका निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।